हाँ भैया, आज का पढ़ना तुम्हें व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो कौन सी प्रश्नावली भैया यहाँ आपकी? 12.1। अब भैया इसमें पढ़ना क्या होता है सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ, व्रत के बारे में जैसा हमें पढ़ना है, ठीक है ना? तो व्रत के जितनी इससे संबंधित आपकी जानकारी है वो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ ये क्या है, तो पता आपको? व्रत है। अच्छा, अगर मैं ये केंद्र मान लेता हूँ तो ये आपकी क्या होगी, कोई बता सकता है? गोलू बताएगा भैया, गोलू बताएगा। हाँ भैया देखो, ये केंद्र है, ठीक है ना? केंद्र से जब भी हम, ये क्या है आपकी पता? परिधि। जब भी केंद्र से कोई लाइन जाती है परिधि तक तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक है? और अगर इस केंद्र से थोड़ी सी लाइन में इसको इधर कर दूं तो ये क्या बन जाता है? व्यास। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या क्या होता है? दुगुना। भाई त्रिज्या जो थी, ठीक है, अब व्यास क्या है पूरा, तो इसका क्या हो गया? यो दुगुना हो गया। ये संबंध भैया तुम्हें याद रखना, क्या बताया गोलू? व्यास त्रिज्या क्या होता? दुगुना होता। क्या होता? दुगुना। और अगर मैं पूछूं भैया त्रिज्या क्या होती व्यास की? आधी होती। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? उसके बाद अगर हमारा देखो केंद्र जो होगा आपका बीच में होगा, व्यास क्या होगा? जो इस साइड से केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो अन्य साइड पे मिल रही वो क्या हो गई आपकी? व्यास। और भैया आपसे मैं पूछूं, क्या ये भी व्यास है? नहीं। तो फिर ये क्या है? जीवा। जीवा। जब भी कोई रेखा जो परिधि को दो बार काटती हो, मतलब यहाँ पर भी काट रही है और यहाँ पर भी, दो स्थानों पर, लेकिन केंद्र से होकर नहीं जा रही, तो वजह उसे क्या बोलते हैं? जीवा। और जैसी वो केंद्र से होकर गई उसे क्या बोल देंगे भैया? मैं नीचे का समझ में आ रहा, आ रहा समझ में? तो ये बता दो व्यास कौन था और जीवा कौन था? बताओ। हाँ चलो नहीं, व्यास ये है। अब देखो तुम्हें बताने क्या, भैया व्यास वो है जो केंद्र से होकर जा रहा है। तो आप ध्यान से सुनो बेटे, गोलू कैसे अकेले अकेले मुस्कुरा रहे होते, समझ में आ रही बात? यहाँ पे देखो, हाँ वो रेखा, लो जी ब्रदर का मनवाओ से कैसे, यहाँ पे देख लो, वो रेखा या वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है और परिधि को जो दो स्थानों पर टच कर दिया वो क्या कहलाएगी आपकी? बेटा अच्छे समझ लो आप भाई, ये चीज में जानकारी होनी चाहिए। त्रिज्या क्या है? तो जो केंद्र से एक साइड उसकी कहाँ मिल रही हो? परिधि पर, वो क्या हो गई आपकी? त्रिज्या। और वो रेखा जो केंद्र से नहीं होकर जा रही लेकिन परिधि को दो स्थानों से टच कर रही वो कौन सी रेखा होगी भैया आपकी? जीवा। इसका मतलब भैया ये हो गया आपका क्या? व्यास। और ये क्या हो गई आपकी? जीवा। जीवा। और ये पूरी जो इसकी ये है इसे बोलते हम क्या? परिधि। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? कोई एक रेखा आई और इसको हल्की सी टच कर गए चली गई, तो जो क्या है भैया? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। अब मुझे ये बता दो भैया, ऐसा इसमें कौन सा पॉइंट रह गया जो आपकी समझ में नहीं आया? भैया परिधि को परिमाप भी बोलते हैं, ठीक है ना? अगर परिधि को मैं क्या लिख दूं? परिमाप। परिमाप भी बोलते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो भैया अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि पहले सूत्र बना लेते हैं, पहले लिखते माना, मतलब ये लिखते व्रत की त्रिज्या, माना व्रत की त्रिज्या आर, क्या है भैया? आर है। तब हमारा क्या होगा? अब यहाँ से हम फॉर्मूले बनाते हैं, तब व्रत का व्यास। अब मुझे ये बता दो भैया, इस वाई लाइन में से कौन बता सकता है कि व्रत का व्यास फिर क्या होगा? बताओ। तो मैंने क्या बताया था? व्यास जो होता वो त्रिज्या क्या होता? दुगुना होता। भाई त्रिज्या हमारी होती और व्यास क्या है? दोनों तरफ बराबर ही तो होगा, तो जो क्या हो जाएगा? दुगुना, मतलब दो गुना त्रिज्या। और भैया त्रिज्या का क्या है आपकी? आर। तो भैया व्यास क्या हो गया आपका? बताओ सही में आई ना आई? तो आपका आ जाएगा व्रत का व्यास, यानी व्यास बराबर क्या होगा आपका? दो इंटू आर या दो गुणा त्रिज्या। आई बात सही में? उसके बाद अगर मैं बात करूं भैया आपकी क्या? परिधि। व्रत की
ब्रेथ की परिधि या फिर क्या बोलते हैं इसको, परिमाप। परिमाप तो भैया ब्रेथ का परिमाप क्या होता है, ब्रेथ की परिधि क्या होती है भैया, तो आप लिखोगे 2πr। क्या बोल रहे भैया, 2πr। ये फॉर्मूला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भैया ब्रेथ का क्षेत्रफल, क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला था, ब्रेथ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। भैया ब्रेथ की परिधि क्या होगी, 2πr। उसके बाद व्यास का होता 2r और त्रिज्या तो आपकी है यार, इतनी बात समझ में आई। और इसके बाद भी अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है भैया क्षेत्रफल हो गया और ये हो गया, हाँ पाई का मान कोई बता सकता है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान ये क्या होता है, 22/7। और भैया ये यूज हमें तब करना है जब वो कहेगा, वरना हम क्या यूज करते पता, 3.14। या तो 22/7 बोलेंगे या भैया क्या लिखेंगे, 3.14, ठीक है ना, वो जब कहेगा तभी हमको 22/7 का यूज करना है। आई बात समझ में विनीत, वे नोट कर लेते अच्छे से। अब यहाँ पर देखो भैया, अब तुमने एक और देखा होगा, ये फॉर्मूले तो हो जो आपके थोड़े बहुत यूज होने हैं। इसके बाद आवाज सही आ रही ना, चलो तो अब यहाँ पर देखो, तुमने एक देखा होगा भैया बले का नाम सुना, बले बला ना, बले बला टल गई वाली ना। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर तुमने देखा होगा कुआ, देखा होगा कुआ, ठीक है ना, उसके ऊपर एक अंडरलाइन एक ऐसा हो रहा होगा, ठीक है भैया, और ये मान लिया हमारा कि कुआ, बना दिया सही है भैया, ऐसा मान लो कि भैया यहाँ पर एक कुआ है और जो इसका ऊपरी भाग होता है ये, इसका हमें निकालना क्षेत्रफल, किसका, इसका जो गोल गोल है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं भैया, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसे बोलते पहली बात तो बले, ठीक है ना। और जब भी हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये आपका क्या हो गया केंद्र, और ये बड़ा यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आ रही, और एक यहाँ से यहाँ तक की है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल, मतलब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं, घटा देते हैं। मान लिया बड़ी वाली त्रिज्या आपकी क्या है आर, और छोटी वाली त्रिज्या क्या आपकी ये है, तब क्या करेंगे भैया, देखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर, ये तुम्हारा हो जाए किसका क्षेत्रफल जा रहा है भैया, ठीक है, क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, उससे पाई आपकी कॉमन आ रही है तो भैया ये भी सकते हैं, और पाई का मान भी देख सकते हैं तो क्या 22/7। तो ये बताओ इतनी बात में समझ में आई नहीं है, ठीक है ना। ब्रत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर पूछने के बल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, बल्ले का आपका यूज आएगा, इसमें क्या है आपका यूज है, ठीक है ना, बहुत यूज है, इस वजह से याद रखना है आपको पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब कैपिटल आर क्या है, मतलब ये पूरा है इसका क्षेत्रफल, और स्मॉल आर क्या है, मतलब आपकी इतना त्रिज्या, ठीक है ना। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल में से आपको छोटे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको क्या निकलेगा, तो भैया जो आपकी गोलाई है ना ये, मैं आपको बता दूंगी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और रिंग जो है भले वो क्या बोलते हैं हम, रिंग, रिंग भी बोलते हैं रिंग, ठीक है ना। तो जो आपकी है ना, क्योंकि ये तो बृहत है तो इतना एक्स्ट्रा ही तो हो रहा, अगर हमें इसका निकालना होगा तो सैरे का निकाल दो और फिर बृहत का निकाल दो, फिर उसमें से घटा दो, ठीक है ना। तो इसे वो नोट कर दो अच्छे से, हाँ भाई। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, पढ़ो चलो। दो व्रतों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, एक बार आराम से और पढ़ लो। दो व्रतों, बेटे दो व्रत हैं,
ठीक है ना, क्या क्या है, कितनी कितनी त्रिज्या है, 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। अब देखो एक वृत्त आपका 9 सेंटीमीटर का हमने मान लिया कि आपका ये है, ठीक है, और एक आपका क्या है बड़ा मान लो, ठीक है, थोड़ा आपका क्या है बड़ा है, थोड़ा बड़ा तो देखा ना, फिर ये आपका 9 सेंटीमीटर मान लिया हमने, 9 सेंटीमीटर है त्रिज्या, त्रिज्या इतनी बताई थी ना, और दूसरी क्या बताइए आपको, 19 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन बोलो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, ओ जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब उन्हें कहीं ले सकते हैं ना, ये आर वन हो जाएगी और ये आर टू और ये आर थ्री। तो अब यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्या है, ये आर थ्री इसकी त्रिज्या, आर टू इसकी हो जाएगी और आर वन इसकी, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ भैया, आर वन बराबर और ये लिख दूँ आर टू बराबर और ये आपकी आर थ्री हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए, माना नए वृत्त की त्रिज्या आर थ्री क्या है, आर थ्री सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करनी है, तब नए वृत्त की परिधि, और भैया इस लाइन में से बता दो नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होगी, बताओ, टू पाई अब भैया आर नहीं आने का, क्या आएगा आर थ्री है, सेंटीमीटर, कितनी बात समझ में आ रही है भैया, सेंटीमीटर, यहाँ पर आप लिख सकते सेंटीमीटर, नई बात समझ में। अब यहाँ पर लिखते हैं पहले क्या लिखोगे, पहले वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी ना, तो आर वन इक्वल टू कितना रखा भैया, 9 सेंटीमीटर। तब पहले अब लिखते हैं पहले वृत्त की परिधि है, पहले वृत्त की परिधि क्योंकि 2 पाई आर वन और भैया 2, अच्छा पाई का मान 22/7 रखने को कहा उन्होंने, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं 22/7 या एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मत रखो, 2 पाई और गुणा में क्या लिख सकते हैं आप 9, तो 9 दुनी कितने हो जाते हैं भैया आपके 18 पाई सेंटीमीटर। आई बात समझ में इतनी, अच्छा सबकी आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या लिखेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, भैया दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है आर टू इक्वल टू कितने रखी है आपको, 19 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर लिखते दूसरे वृत्त की परिधि, अब बताएंगे ये निशिका आपकी की परिधि क्या होगी, दूसरे वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला लिखा जा सकता है, बताओ, 2 पाई और भैया आर आई बात समझ में। अब देखो आर टू ये क्यों चेंज हो रहा है भैया, पहला वृत्त है तो आर वन आ गया है तो सब वही, दूसरा वृत्त है तो आर टू और तीसरा वृत्त था तो आर टू, इतनी बात समझ में आ रही ना। अब क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं भैया प्रश्नानुसार, भैया हाँ किसका, अच्छा आर टू का मान रखा क्या, आर टू का मान यहाँ पर रख सकते हैं आर टू और भैया लिख सकते हैं 2 पाई 19 है ना, और 19 दुनी क्या हो जाएगा भैया, 38 पाई और भैया सेंटीमीटर। अब करते क्या है हम भैया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आप पढ़ो जी, प्रश्न अनुसार क्या था उसने क्या कहा है मैं बता देता हूँ, तो इनकी परिधि का जो योग होगा, इनकी जो परिधि का योग होगा इसके बराबर होगा नहीं होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, नए व्रत की परिधि बराबर क्या क्या लिखना भैया, बराबर लिखना है पहले व्रत की परिधि, पहले व्रत क्या लिख रहा हूँ, पहले व्रत की परिधि प्लस दूसरे व्रत की परिधि, दूसरे व्रत की परिधि
परिधि, ठीक है। अनुसार के अंदर रखा है कि नए वृत्त की जो परिधि होगी वो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि के बराबर होगी, ठीक है ना। लेकिन हमें ज्ञात करना आर थ्री की वैल्यू, यानी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, टू पाई आर थ्री बराबर टू पाई आर वन प्लस टू पाई आर टू। अब बताओ इतनी बात समझ में आ गई भैया। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपकी कोई चीज कॉमन आ रही है तो आप कहोगे टू पाई आर थ्री आपकी यहाँ पर है ही। अच्छा, यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है आपकी, टू पाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, भैया टू पाई से टू पाई आपका कट जाता है। यहाँ से आर थ्री बराबर आर वन प्लस आर टू। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, या तो आप ऐसे कर सकते हो भैया, इनके मान रख सकते हो आप, आर थ्री बराबर क्या होगा, आर वन की वैल्यू क्या है, नो प्लस उन्नीस, कितने हो रहे हैं आपके 28 सेंटीमीटर आपका हो गया भैया, क्या आना, ठीक है। या तो भैया आप ऐसा कर सकते हो, या अगर कोई मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहता तो वो कैसा करेगा भैया, आई वन की वो टू पाई आर वन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 18 है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भैया आपकी 38, इन दोनों को जोड़ना और दो पाई से भाग दे देना, पाई की वैल्यू पता, या फिर पाई से दो पाई का मान क्या होता है आपका 22/7, और इसका मान रखो बेटा, वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो ये आपका थोड़ा इजी होगा कि टू पाई से टू पाई काट दो और आर थ्री और आर वन आर टू यहाँ पर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ सकता है, नोट करो। यहाँ पर देखिए भैया, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर कोई लड़का ऐसा करना नहीं चाह रहा तो दूसरी विधि से भी कर सकता है, जैसे हमने पाई का मान लिया था ना, यहाँ पर देखिए अब करते क्या है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए भैया, टू पाई आर थ्री, टू पाई आर थ्री यहाँ पर आ गया। अच्छा भैया, इसकी वैल्यू क्या है, 18 पाई, और उसके बाद ये कितनी है आपकी 38 पाई, जोड़ बताओ कितना आया, आप कहोगे भैया क्या है आपका 56 पाई, पाई से पाई क्या हुआ आपका कट गया, तो आर थ्री क्या आ गया आपका 56 पाई 56/2, कितना बच गया भैया आपका, बताओ आंसर भैया क्या। तो भैया ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है, नोट करो पहले। हाँ भाई बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, जैसे ही है ना सब पढ़ो। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देख लो 8 सेंटीमीटर और 6 है, ठीक है ना, तो इसको हम 6 मान सकते हैं, या भैया पहले बड़ा बताया ना तो बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 8 सेंटीमीटर बताया ना, तो यहाँ पर क्या है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद छोटा आप यहाँ पर बना सकते हैं जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये भैया आपका कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, यार बन होगा ना। हाँ। और ये क्या है भैया आपका आर टू, पढ़ो आपको क्या है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, अच्छा हाँ बताओ भाई, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब भैया इन दोनों का क्षेत्रफल हमने जोड़ा, ठीक है ना, और एक नया वृत्त बनाया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या मान ली हमने आर थ्री। हम करते क्या है भैया, माना नए वृत्त की त्रिज्या क्या है आर थ्री, सेम भैया यहाँ तक भी, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल लिखना, नए वृत्त का क्षेत्रफल, आई बताया था फॉर्मूला पाई आर थ्री स्क्वायर, ठीक है भैया, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई जब भी क्षेत्रफल होता है वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और जहाँ परिधि होती है वहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है भैया, आर वन बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो तब वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होगा भैया, अब देखो यहाँ पर देखो, नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आर थ्री है ना त्रिज्या, तो यहाँ पर हम ए थ्री भी लिख सकते हैं, ए फोर क्या होता है एरिया, इतना जानते होंगे। अब पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिख सकता हूँ मैं, ए वन कितना हो जाएगा आपका पाई आर वन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कितना है आर वन की वैल्यू 8 है, तो आप पाई और 8 का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 कितना होता है आपका 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर,
उसके बाद क्या करते हैं आप भैया दूसरे व्रत के लिए चलते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे व्रत की त्रिज्या, दूसरे व्रत की त्रिज्या क्या होगी आपकी आर टू, ठीक है आर टू सेंटीमीटर है, या फिर आर टू की वैल्यू दे रखी है आपकी, आर टू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 6 सेंटीमीटर। अच्छा अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम दूसरे व्रत का क्षेत्रफल, क्या बताया था आपको यहाँ पर लिख सकते हैं ए टू बराबर पाई आर टू का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद भैया पाई आर टू की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, तो आप लिख सकते हो 6 का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 6×36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू भैया ए टू की, ये किसकी वैल्यू थी आपकी ए वन की, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब करते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखते हो आप प्रश्नानुसार। भैया प्रश्नानुसार क्या बताया था कि जो पहले नए वाले व्रत का जो क्षेत्रफल है यानी ए थ्री है वो ए वन प्लस ए टू के क्षेत्रफल के बराबर है। शॉर्ट में लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। अब करना क्या है भैया, ए वन का क्षेत्रफल क्या है आपका पाई पाई आर थ्री स्क्वायर, उसके बाद क्या लिख सकते हैं पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। अच्छा अच्छा पाई कॉमन ले सकते हैं क्या भैया, उससे पहले पाई कॉमन ना भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं क्या है आपकी 64 पाई आया ना इसका वैल्यू। उसके बाद इसका क्या आया था आपका 36 पाई, और ये क्या है आपका कितना आ रहा आपका 100 पाई। अच्छा पाई से पाई कर सकता है ना। अब मुझे ये बता दो भैया 100 किसका वर्गमूल है, तो आर थ्री बराबर अंडर रूट 100 हो सकता है, यानी आर थ्री की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो भैया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका मान क्या आया होगा भैया आपका 10 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन में त्रिज्या याद करनी थी तो ये नोट कर लीजिए। अब ये बताओ, हाँ भाई यहाँ पर देख लो, ये दोनों सही क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से। बड़े इन दोनों मामों क्या निकालनी थी, नए व्रत की त्रिज्या अगर हम क्षेत्रफल में निकलवाते निकाल देते ना। अच्छा कोई एक छात्र ये बता दो क्षेत्रफल कैसे निकाल दो, अगर मैं जानूंगी कि नए व्रत का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकाल दे बताओ। पहले वाले क्वेश्चन का देखो, फिर भी यहाँ पर भी आप देख लो हमें करना क्या, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो बेटा तो बहुत ही सिंपल था, उसने तो क्या रखा नए वाला क्षेत्रफल जो है वो पहले वाले और दूसरे क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ दो 100 पाई याद हो गया था। अब पाई की वैल्यू रख देते, पाई से पाई काटना नहीं है यहाँ पर, आपका डायरेक्ट ये निकल जाता 100 पाई आंसर। आई बात समझ में भैया, ये क्वेश्चन सुनो, एग्जाम्पल तो है नहीं जो मैं आपको दे दूं, लेकिन फिर भी इस जैसे क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं अगर आपकी किताब में होंगे तो, अगर नहीं है तो भैया इन्हीं क्वेश्चन को आप कितनी बार कर लो 2-3 बार कर लो, जिससे तुम्हें अच्छे से आ जाए। और हाँ याद रखना भैया, अगर क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज में तो इन दोनों में क्वेश्चन में आ जाए, या फिर देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका हो सकता है बहुत कम आपको देखने मिले, बहुत हार्ड क्वेश्चन है आपके हिसाब से, बेटा आपका टाइम बहुत भी जाएगा वो, ठीक है ना, तो उसे तो हम कल ही करेंगे, ठीक है ना, आज टाइम भी नहीं है। अच्छा समझ में आ रहा ना, तो भाई इन ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और मात्र 2 या 1 नंबर 1 या 2 नंबर में आता, 2 नंबर मान के चलो कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आ सकता, तो कर सकते हैं ना सब। अच्छा समझ में आ रहा सबकी, तो भैया आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन कोई भी एक क्वेश्चन बना गया, मैं आपको कहूँ कि भैया ये आपका आर बना आपको कितनी दे रखी 9, आइए आपको दे दी कितनी 7, ठीक है, तो भैया इसका क्षेत्रफल निकाल कर आपको बताना है, ये नया क्वेश्चन है घर के लिए, इसे एस डब्ल्यू आप लिख सकते कर सकते हैं ना। हाँ। पूरा क्वेश्चन भैया भाई इसकी त्रिज्या 9 है, उसकी क्या है आपकी 7, और ये आपको क्वेश्चन आर थ्री की वैल्यू निकाल कर लाना है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कल को।